गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शक क्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। एक नंबर से शुरू करते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए संस्कृत, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है बी फारसी। आगे दूसरा नंबर। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है? ए अक्ष त्र ज्ञ और बी अक्ष प अक, सी अक्ष त्र श या डी अक्ष त्र छ। जी बताइए। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है? ए अक्ष त्र और ज्ञ, बी अक्ष प क या सी अक्ष त्र श या डी अक्ष त्र और छ। तो इसका आंसर ए है अक्ष त्र ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन चार हैं, अक्ष त्र ज्ञ और श्र है। तीसरा नंबर देखते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्ष बनता है, मतलब किन किन अक्षर के जोड़ से बनता है? ए आधा क जोड़ मूर्धन स, बी क जोड़ या सी क जोड़ छ, डी छ जोड़ अ। तो इसका आंसर है ए आधा क जोड़ श। आगे चौथा नंबर। त जो र यानी आधा त जो र के मिलने से क्या बनता है? ए तर, बी त्र, सी छ, डी री। कौन सा बनता है? तो इसका आंसर बी है त्र बनता है। आगे रामू ने मोहन को मारा, वाक में कौन सा कारक है? यहाँ बताइए। रामू ने मोहन को मारा, वाक में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। तो इसका आंसर ए है कर्ता कारक। आगे हिंदी में कितने कारक हैं? ए 10, बी 9, सी 7 या डी 8। तो हिंदी में 8 कारक हैं। तो इसका आंसर डी होगा। आगे सातवां नंबर। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर है बी, लिंग के 2 भेद हैं। आगे आठवां नंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ए 10 जनवरी, बी 14 नवंबर, सी 10 फरवरी या डी 14 सितंबर। तो इसका आंसर है ए 10 जनवरी। जी हाँ 10 जनवरी, क्योंकि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? जी हाँ, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ए 26 जनवरी 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 या डी 14 सितंबर 1955। तो इसका आंसर बी है 14 सितंबर 1949। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्मातृ सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। यहाँ 14 सितंबर 1949 को। आगे हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितने हैं? ए 45, सी 48, सॉरी ए 45, बी 48, सी 50, डी 52। जी बताइए। तो इसका आंसर है डी 52 और एनसीईआरटी के अनुसार 48 हैं। 52 वर्णों की संख्या है। अन्य पुस्तक में 45 भी हैं जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं, तो किसी में 46 वर्णों की संख्या है जिनमें 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं और एनसीईआरटी के अनुसार 46 हैं। आगे चलते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए वत्सला, बी पौत्री, सी गौरी, डी आत्मजा। तो इसका आंसर डी है आत्मजा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द
बेटी, आत्मजा, तनुजा, शूता, जनता, नंदिनी, दुहिता तथा कन्या होता है। आगे बुद्धि का प्राची शब्द कौन सा है? ए मनीषा, बी मस्तिष्क, सी विवेक, डी अजर। जी हाँ बताइए। तो इसका है आंसर ए मस्तिष्क, ए मनीषा। क्या है? ए मनीषा, मस्तिष्क नहीं, मनीषा। बुद्धि का प्राची शब्द मनीषा होगा। आगे बुद्धि का प्राची शब्द मेघा, प्रज्ञा, जेहन, मति, अक्ल तथा मनीषा होता है। आगे चलते हैं। 13 दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बादल का प्राची शब्द नहीं है? जी हाँ, कौन सा शब्द बादल का था, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द बादल का प्राची शब्द नहीं है? जी हाँ बताइए। ए जल्द, बी मेघा, सी पयोद, डी वारिधि। तो डी इसका आंसर है वारिधि। क्या है? वारिधि नहीं है। तो कौन कौन सा है बादल का? जलद, जलद है, मेघ है, पयोद है। आगे 14 कवि का स्त्रीलिंग है मतलब कौन सा है? ए कवित्री, बी कवित्री, सी कवित्री, डी कवियत्री। जी हाँ बताइए। एक बार सिर्फ सुन लीजिए, कवि का स्त्रीलिंग है मतलब स्त्रीलिंग क्या होगा? ए कवित्री, बी कवियत्री, सी कवियत्री या डी कवियत्री। जी बताइए। तो इसका आंसर है डी कवियत्री। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आगे अभिनेता का स्त्रीलिंग है, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए अभिनेता, बी अभिनेत्री, सी अभिनीता या डी अभिनेती। तो इसका आंसर बी है अभिनेत्री। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी का अंग्रेजी मूलक नहीं है? क्या अंग्रेजी फारसी मूलक नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी का अंग्रेजी मूलक नहीं है? तो ए कमल, बी दाग, सी किला या डी जल। तो जल नहीं है। इसका आंसर डी है जल। आगे खाक छाड़ना मुहावरे का अर्थ है, खाक छाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए भटकना, ए भटकना, बी सैर करना, सी तीर्थ करना या डी लंबी यात्रा पर जाना। तो इसका आंसर ए है भटकना। आगे मिट्टी में मिलाने का अर्थ है, अर्थात मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या होगा? ए किसी भी चीज को मिट्टी में डालना, बी बर्बाद करना, सी बीज या डी हाथ से छूट जाना। तो इसका आंसर है बी बर्बाद करना। आगे पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक, डी संबोधन कारक। इसका आंसर है बी अपादान कारक। आगे योग मूल अवस्था है, यहाँ लिखा हुआ है 20 योग मूल अवस्था है तो उत्तम अवस्था क्या है? हाँ यानी ओग का योग का मूल अवस्था का उत्तम अवस्था में बदलना है। ए योग, बी योगोत्तर, सी योगोत्तम, डी सर्वोत्तम। तो इसका आंसर सी होगा योगतम। क्या होगा? योगतम। क्योंकि तुलनात्मक रूप से विशेषण की अवस्थाएं 3 हैं, एक है मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था और तीसरा उत्तमावस्था है। योग मूल अवस्था है एवं इसका उत्तमावस्था योगतम होता है। आगे नमक हलाल होने का अर्थ है कृतज्ञ होना, बी कृतघ्न होना, सी नमक खाना या डी नमक डालना। तो इसका आंसर ये है कृतज्ञ होगा था। ठीक है आगे 22 देवा या देवा वाहन का संधि विच्छेद करें। जी हाँ, देवा वाहन का संधि विच्छेद करें। ए देवी जोर वाहन, सी देवी जोर आवाहन, सी देवी देव जोर आवाहन या डी देव जोर वाहन। देख ले फिर से, देव्य वाहन का संधि विच्छेद करें। ए देवी जोर वाहन,
बी देवी जोर आवाहन, सी देव जोर आवाहन, डी देव जोर वाहन। तो इसका आंसर है बी देवी जोर आवाहन। आगे प्रौढ़ का संधि विच्छेद करें, प्रौढ़ का संधि विच्छेद करें। ए प्राजोर ऊढ़, बी प्रजोर ऊढ़, सी प्रोजोर ढ या डी प्रजोर ओढ़। तो इसका आंसर होगा बी प्रजोर ऊढ़। आगे विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए विद्वानी, बी विदुषिता, सी विदुषी, डी विदुषी। तो इसका आंसर सी है विदुषी, दीर्घ से, ठीक है। आगे 25वां नंबर, महान का स्त्रीलिंग है ए महांती, बी महती, सी महत्री, डी महानी। तो इसका आंसर बी है महती, क्या महती, महान का स्त्रीलिंग रूप महती है। और चलते हैं 26वां नंबर देखते हैं, निम्न में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? ए सरकार, बी चंद्र, सी छिद्र, डी ग्रंथ। तो इसका आंसर ए है सरकार, आगत और विदेशी शब्द है। आगे अल्प अल्पायु का विलोम है, अल्पायु का विलोम क्या होगा? सियाना, बी दीर्घायु, सी कमसीन, डी वृद्ध। तो इसका आंसर है बी दीर्घायु। आगे अतिवृष्टि का विलोम है ए अपवृष्टि, बी अनावृष्टि, सी कुदृष्टि, डी सुवृष्टि। इसका आंसर बी है अनावृष्टि। आगे चलते हैं, अमर का विलोम शब्द है ए अमृत्व, बी अंत, सी नश्वर, डी अक्षम। तो अमर का विलोम होगा नश्वर। तो इसका आंसर सी है। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।